टाइप थ्री में दो क्वेश्चन हैं थ्योरेटिकल्स वाले, और काफ़ी मतलब कहना चाहिए ये तो आप फिर भी नहीं भी कर मतलब कोई नहीं भी कराए तो भी आप कर लोगे। इसके बाद वाला जो है वो काफ़ी टफ है, पर उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वो अजीब ही लगने लगता है। तो यहाँ पर सिद्ध करो आर में, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आर जो है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या है वास्तविक, अपन जो संबंध बनाते हैं वो हमेशा कहाँ बनाते हैं ए में, और ए अपना जो चाहे होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सिद्ध करो आर में, आर का मतलब इन्होंने है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, जैसे अपने ए में होता है वैसे इनका मतलब है कहाँ पे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। एक ऐसा संबंध आर है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये आर है यार, ये रिलेशन वाला आर है और ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब अपना ये असल में अपना ये क्या है कैपिटल ही, तो अपन मान के भी चलेंगे, माना कैपिटल ही बनाओ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वरना पर मान 12 बोलेंगे तो कुछ का कुछ अर्थ निकलेगा। हाँ, इसको ऐसा गलती नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर अपन कन्फ्यूज हो जाएंगे बार बार लिखने में, ठीक है। तो ये संबंध अपन ये मान लेते कैपिटल आर मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो आप ये यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ताकि समझ में आए कन्फ्यूजन होगा आर आर में, इसलिए अपन ने आर की जगह क्या ले लिया है, ए को ले लिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो संबंध आर में ए भी मतलब कैसे क्रमित योग आएंगे, वो क्रमित योग आएंगे जिनमें ए जो है वो बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा या ए बी के बराबर रहेगा। इस बात पर बेटा जल्दी से बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ, यहाँ पर देखो वहाँ मत देखो। इस संबंध में ऐसे आएंगे क्रमित युग्म जिनमें ए या तो बी से छोटा रहेगा, देखो दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती कि ए बी से छोटा भी रहे और ए बी के बराबर, ये सब आप समझते हैं कि अगर ए या तो बी से छोटा होना चाहिए या ए बी के बराबर, तो क्या इसमें दो दो आएगा, क्यों आएगा कि नहीं आएगा बताओ, दो दो आएगा इसमें, क्यों आएगा, क्योंकि दो दो के बराबर है। अच्छा, इसमें दो तीन आएगा, आएगा क्यों, दो तीन से छोटा है, दोनों आ सकते, वो भी आ सकते जिनमें ए बी के बराबर है और ए बी से छोटा है, नहीं आया समझ में। अच्छा, और अपन ले कुछ भी सकते हैं, वर्तिका डेढ़ डेढ़ भी ले सकते हैं, बिकॉज अपन को लेना काय में से बेटा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, ये जो संबंध जिस समुच्चय बनाया गया उसका नाम है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सवाल में इस तरीके से कन्फ्यूज किया गया कि जिस संबंध बनाया आर वो भी वास्तविक का है समुच्चय, और संबंध का नाम भी आर दिया, इसलिए अपन ने उसको क्या मान लिया, कैपिटल है, जो कि है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो क्वेश्चन है कि क्या इस संबंध में दो दो आएगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर ए बी के बराबर है तो वो संबंध में आएगा और दो दो आएगा। क्या इस क्वेश्चन में दो तीन आएगा, इस संबंध में आएगा, क्योंकि दो तीन से क्या है छोटा है, तो ए बी के बराबर है तो भी संबंध में आ जाएगा और ए बी से छोटा है तो भी संबंध में आ जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें चार पाँच आएगा, क्यों, कि चार पाँच से छोटा है, और चार चार आएगा कि चार चार के बराबर है। अच्छा, इसमें डेढ़ डेढ़ आएगा, क्योंकि ये संबंध जो है वो किस समुच्चय पर है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर है, बस कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने अपन आर की जगह कैपिटल ए को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मान लिया है, ताकि हम लिख सकें इस समुच्चय में कोई संबंध आर इस प्रकार से है कि आर ए बी, जबकि ए बी ऐसे लिए जाएं कि ए बी से छोटा रहे या ए बी के बराबर रहे, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर अगली बात अपन करते हैं, सबसे पहले ये बात कर रहे हैं स्वातुल्य की। स्वातुल्य आपने बोला इसमें दो दो आएगा, क्यों आएगा, दो दो के बराबर, इसमें एक एक आएगा, डेढ़ डेढ़, सात सात आठ आठ, सब आएगा, तो स्वातुल्य तो हो ही गया। बस फॉर्मेलिटी करने के लिए माना x जो है वो a में है, और अब अगर a x है, a क्या है, तो b भी x हो सकता है, बिकॉज a छोटा होने के साथ साथ बराबर है, तो आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं चूंकि a बराबर है b, बस बाद में कोई ये ना बोले कि यार ये तो बराबर और छोटा दोनों है, दोनों तो कोई हो नहीं सकता है, छोटा है या बराबर है। तो अगर यदि a बराबर x है, क्योंकि x अपन काय में से लेना था, a में से वो मैंने लिया है, तो b बराबर x हो जाएगा, तो x x इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, r, संबंध r क्या हो जाएगा, स्वातुल्य। तो ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन लिखने ऐसे पड़ता, आपको समझ, जो मैंने समझाया वो समझ गए कि तीन तीन भी आएगा, चार चार भी आएगा, पाँच। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे, सबसे पहले बताइए शुभम कि क्या इस संबंध में दो चार आएगा, कि दो चार से छोटा है, क्या इसमें पाँच छः आएगा, पाँच छः से छोटा है, छोटे वाले भी तो आएंगे ना इसमें। अच्छा, इसमें सात आठ आएगा, चलिए इसमें चार दो आएगा, ये चार दो से छोटा नहीं है, तो जब दो चार आएगा लेकिन चार दो नहीं आएगा, तो मतलब क्या हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कि दो छोटा है चार से, या हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है, तो दो चार इज द एलिमेंट ऑफ आर, पर चार दो से छोटा नहीं है, चार दो इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, मतलब आर दो सम आर सममित नहीं वाले सरल होते हैं। अब आ जाते अपन काय पे, संक्रांत। अब आराम से देखिए, क्या इसमें एक दो आएगा, क्यों आएगा कि नहीं आएगा, एक दो से छोटा है, क्या इसमें दो तीन आएगा, दो तीन से छोटा, क्या इसमें एक तीन आएगा, आएगा क्यों, एक तीन से छोटा है। यार जब एक दो से छोटा है तो एक तीन से तो छोटा हो गई,
नहीं आया समझ में। एक बार और अपन करते इसको, क्या इसमें 5-8 आएगा? yes, क्योंकि 5-8 से छोटा है। क्या इसमें 8-20 आएगा? yes, क्योंकि 8-20 से छोटा है। तो यार क्या इसमें 5-20 आएगा? yes, कि 5-20 से छोटा, जब 5-8 से छोटा है तो 5-20 से छोटा हो। तो यहाँ पे अगर मान लें कि x छोटा है तो एक्स वाई आर में आ जाएगा, और फिर मान लें कि y छोटा है z से तो वाई जेड आर में आ जाएगा। अब जब x y से छोटा है और y z से छोटा है तो x तो सबसे छोटा हुआ, तो अब स्पष्ट है कि x छोटा है z से, तो x z r में आ जाएगा। अतः संबंध r क्या है? संकल। सबको समझ में? जांच कीजिए कि r जो कि वही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। रोहित अभी आए तो मैं उसको थोड़ा बता दूं। रोहित, ये दिक्कत ये है कि अपन हमें समुच्चय संबंध बनाते हैं a से a का, तो उसको a में संबंध बोलते हैं। यहाँ पे ये लोग एक्चुअल में जो समुच्चय दे रहे हैं उसका नाम भी R रखा है, जो कि यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और संबंध का नाम तो R ही रहता है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने R की जगह A को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मान लिया, ताकि अपन लिख सकें कि इस समुच्चय A में कोई संबंध R इस प्रकार से है कि R इज इक्वल टू ए बी। इसमें वो आएंगे जिसमें ए बी क्यू के बराबर रहेगा या ए बी क्यू से छोटा रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज शुरू में कितना सिंपल था, एक मिनट बता रहे थे। रोहित, क्या इसमें 1-2 आएगा? क्यों नहीं आएगा? आप बी का क्यू, बी का क्यू कीजिए, सबसे पहले क्या आएगा? 8। 1-8 से छोटा है तो उसमें 1-2 आएगा। देखो बोल लगा, एक सेकंड में कन्फ्यूज हुआ, या तो छोटा होना चाहिए या तो बड़ा, दोनों तो हो ही नहीं सकते रोहित, इम्पॉसिबल। मुझे छोटे बड़ा हो दोनों कैसे, आप समझिए छोटा या बड़ा हो। देखो अभी पिछला सवाल कितना सरल लग रहा था, है ना, तो कम से कम वो लोग उसको ध्यान से देखें। तो रोहित, अगला अपन पूछेंगे, क्या इसमें 2-3 आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि 2 अगर अपन 3 का क्या करें, क्यूब करें, तो 3 का क्यूब है 9, तो 2-9 से छोटा है, सॉरी 27, तो 2-27 से क्या है? छोटा है। अब तक आप मेरे साथ नहीं पाएंगे तो कोई फायदा नहीं मेरे पढ़ाने का, है ना। चलो अब मैं अगला पूछता हूँ, पूछो। देखो वास्तविक संख्याएं हैं तो पॉइंट वाली संख्याएं पे गौर करना पड़ता है अपन को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या इसमें, अब बहुत समझने वाली बात है, 8-2 आएगा? आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो a बराबर बी क्यू होना चाहिए या a छोटा बी क्यू। तो सबसे पहले आप b का क्यू करें, उसके बाद बात करें, करें b का क्यू। अब बताइए 8 बराबर 8 है तो ये आएगा इसमें? नहीं आया इसमें, तो ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है कि आपका ध्यान कहीं, तो इसलिए मैंने वो सवाल करा कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, a छोटा है, आप कितना आसान लगा पढ़ाना वाला, ये भी आसान लगेगा। टाइम दें, और एक चैप्टर है, इसको इतनी अच्छे से पढ़ेंगे अपना, इसका कौन टेंशन खत्म हो जाए, फिर कोई टेंशन वाला चैप्टर है ही नहीं, और ये भी टेंशन वाला नहीं है, थोड़ा सा एक रूटीन नहीं बन पाया, और बनेगा बनेगा सब बनेगा। चलिए अब बताइए इसमें क्या 5-2 आएगा? सोच समझ के बताएंगे, क्यों आएगा? हाँ, 5 और 2 का क्यों क्या रहेगा? 8। 5 छोटा है 8 से, ए छोटा होना चाहिए किससे? बी क्यूब से, बी क्यूब से, सही तरीके से बोले, मुझे परेशान ना कर जबरदस्ती। तो a छोटा होना चाहिए b q से, या फिर a बराबर होना चाहिए b। अगला अपन समझते रोहित, बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपन को, क्या इसमें 4-2 आएगा? क्यों? माना a बराबर 4, b बराबर 2, b का q बराबर 8, स्पष्ट है कि 4 छोटा है 8 से, a छोटा है b q से, समझ में आया? तो रोहित ये बनी बात है कि कोई भी संख्या जो है, जैसे अब बताइए, अब अपन अपने समझ में आया कि किस प्रकार का संबंध है, अब अपन अपने काम पे आते हैं। चलिए बताइए क्या इसमें 1-1 आएगा? क्यों आएगा? फिर से करेंगे, माना a बराबर 1, b बराबर 1, a b का q बराबर 1, तो a बराबर b का q, a बराबर तो 1-1 आ गया इसमें, नहीं आया समझ। अब a बराबर 2, b बराबर 2, तो b का q बराबर 8, a छोटा है b का q से, क्यों? 2 छोटा है 8 से, तो ये भी 2-2 भी इसमें आ जाएगा। रोहित को आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब आ जाते a बराबर 3, b बराबर 3, a छोटा सॉरी b का q बराबर 27, ए छोटा है बी का क्यू से,
छोटा है तो तीन तीन भी इसमें आ जाएगा। नहीं आया समझ, तो आपको लग रहा है कि इसमें सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाता, लेकिन लफड़ा ये, आप सबको पता है कि वर्ग से तो संख्या छोटी रहेगी, खुद के वर्ग से संख्या तो क्या रहेगी, छोटी। तो अगर ए और बी दोनों एक से हैं तो ए छोटा तो बी क्यू से हो ही जाएगा एक के बाद, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है इन नंबर्स में, जीरो से एक के बीच में। अब ऐसा करते हैं वर्तिका कि माना ए बराबर एक बटे दो, एक बटे दो, तो और बी बराबर भी एक बटे दो, एक से ही मानने पड़ेंगे अपन को, तो बी का क्यूब बोलो वर्तिका, एक बटे आठ। अब बोलो बेटा ए बड़ा है कि बी क्यू बड़ा है, हाँ ए बड़ा है, स्पष्ट है कि एक बटे दो छोटा नहीं है एक बटे दो के क्यूब से, एक बटे दो के। अब एक बटे दो तो वास्तविक संख्या है, तो अपने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो आएगी, चूंकि एक बटे दो वास्तविक संख्या है इसलिए एक बटे दो इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। देखो आर लिखेंगे तो परेशान हो जाओगे तुम, है ना, तुम चाहो तो आर लिख दो, पर हमेशा आर के बाजू में लिखो वास्तविक संख्या। तो एक बटे दो इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, बिकॉज हमने संबंध काय बनाना है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, तो एक बटे दो इज द एलिमेंट ऑफ आर, परंतु एक बटे दो इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, अतः यह संबंध स्वातुल्य नहीं है। और यही संबंध अगर अपन ने n पे बनाया होता, प्राकृतिक संख्याओं बनाया होता, तो ये स्वातुल्य हो जाता रोहित, समझ रहे हो, हर संख्या उसके घन से छोटी ही होती है, लेकिन लफड़ा हो जाता है कहाँ से, जीरो और एक के बीच में। नहीं आया समझ में, बहुत देखो अगर नहीं बता तो ये सवाल फंस जाता, पुराना सवाल समझना भी बहुत ज़रूरी था। अब अपन अगली चीज़ पर जाते जो बिल्कुल ही नॉन सेंस है, पर अपन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अपना जो नैया पाल लगाने वाले हैं वो यही लगाने वाले हैं रोहित, कौन लगाने वाले हैं, कौन लगाने वाले हैं रोहित बताओ यार, हाँ कौन लगाने वाले हैं, ये बटे वाले लगाने वाले हैं, ठीक है। अब अपन काय की जांच करेंगे, संक्रामक नहीं पहले अपन, तो ये तो सबको पता है बेटा कि माना ए बराबर एक, ठीक है, या सिंपली कर लेते हैं अपन वर्तिका कि एक छोटा है दो का क्यू से, छोटा है इसलिए तब एक दो इज द एलिमेंट ऑफ आर, परंतु दो छोटा है एक क्यू से, दो नहीं छोटा है एक क्यू से, तब दो एक इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, स्पष्ट है कि संबंध, अतः संबंध आर सममित नहीं है। तो अपन को क्या समझना है, संक्रामक, संक्रामक आप सभी जानते हैं कि यदि ए बी आर में है और कौन आर में है, बी सी, तो ए सी भी आर में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल थिंकिंग बताता हूँ जिससे बच्चे फंस रहे हैं, यहाँ पे देखो अभी अपन इसमें भी फंस रहे थे कि स्वातुल्य, नॉर्मल थिंकिंग ये है कि एक दो आएगा, क्यों आएगा, एक छोटा है दो क्यू से, नॉर्मल थिंकिंग ये है कि दो तीन आएगा क्योंकि दो छोटा है तीन क्यू से, अब एक तीन भी आएगा क्योंकि एक छोटा है तीन क्यू से। तो ये थिंकिंग तब तक बनी रहती है जब तक आप कहाँ घूमे रहते, प्राकृतिक संख्याओं, उसमें इतना सबको पता है प्राकृतिक संख्याओं में पहले आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या के क्यू से तो छोटी रहेगी। लेकिन यहाँ पे अपन ने कुछ ऐसे एग्जांपल लिए जिससे आपके सिर चकरा जाएंगे, और आप इसको 10 मिनट या 15 मिनट भी चेक करोगे तो आप कभी इसको नहीं पकड़ पाओगे कि संक्रामक नहीं है। जैसे आप ये नहीं पकड़ पाते रोहित के स्वातुल्य नहीं है, लेकिन बटे की संख्या करती प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीन जो है वो छोटा है तीन बटे दो के क्यू से। मैं आपको बता दूं, तीन त्रिका नौ त्री 27, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ त्री 24 दशमलव तीन 30, आठ त्री सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो चूंकि तीन छोटा है तीन बटे दो के क्यू से, सिंपल हो गया कि तीन तीन बटे दो इज द एलिमेंट ऑफ आर। अगली बात, तीन बटे दो छोटा है किससे, 6/5 के क्यू से। आपके लिए मैं 6/5 का क्यू निकालूंगा रोहित, 6 छंग 36 छक्के 216, 5 25 5 125। रोहित इसको सॉल्व नहीं करना है तो आप नॉर्मल कर लीजिए बेटा, 6/5 आ जाएगा 1.2, राइट और रॉन्ग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 का स्क्वायर आता है 144 और 12 क्यू क्या आता है, अरे कर दे रहे यार,
बारह चौके की आठ, हाथ में आई चार, बारह चौके 48 और चार बावन की दो, हाथ में आई पाँच, बारह एकम बारह और पाँच 17, सॉरी 1.728, 3/2 डेढ़ हुआ ना, तो डेढ़ से तो 1.728, तो फिर रोहित 3/2 छोटा है किससे बेटा, 6/5 क्यों से, तो ये भी संबंध में आ जाएगा। अब अपन को चेक करना है कि 3/6/5 संबंध में है कि नहीं, इसके लिए आप चेक करेंगे कि 3 छोटा है 6/5 से क्यों से, बिल्कुल नहीं है, 3 कहाँ हो 1.728 कहाँ, तो 3 छोटा नहीं है 6/5 के क्यों से, तो 3/6/5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, तो दिख रहा है कि 3/3 है, 3/2 6/5, लेकिन जब इनको अलग करके संक्रामक बनाया तो वो संबंध में नहीं है, अतः ये संबंध संक्रामक नहीं है। और नहीं थिंकिंग वाला कोई भी बंदा कितना भी मेहनत कर ले वो सवाल नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज ये एग्जाम्पल ये बटे वाले मिलना रोहित बहुत टफ है, तो रोहित अगर अपन यहाँ 1/2 नहीं लेते तो भी तुम कभी इसको पकड़ नहीं पाते कि यार ऐसा भी हो सकता है कि ए बी क्यू से छोटा ना हो, यही सवाल अगर वास्तविक संख्याओं की जगह कायम आया होता तो फिर ये संक्रामक हो जाता, सम्मित ये तब भी नहीं हो पाता, बिकॉज ये तो इम्पॉसिबल है कि ए बी क्यू से छोटा हो और दैट टाइम बी क्यू से छोटा हो ना, अगर एक दो से छोटा है दो एक से छोटा नहीं हो सकता। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, सभी को आ गया कि नहीं आ गया, चलिए अतः संबंध आर संक्रामक नहीं।